Very fine. Good morning to all of you. Students, how are you? I hope all you are fine. Yeah. Students, now we have to study lesson 6. Safety and first aid. This is the chapter name. Safety and first aid. Okay, student. In this chapter, we will study about safety rules. By which we can prevent the accident. Okay, students. Safety is very important for all of us. This is help to us avoid the accident, prevent the accident. Students, accident can happen when we are careless and when we are in hurry. बच्चों एक्सीडेंट तब होता है जब हम क्या होते हैं व्हेन वी आर केयरलेस जब हम लापरवाह हो जाते हैं जब हम जल्दीबाजी में होते हैं एक्सीडेंट कैन हैपन एनी टाइम एनीवेयर एक्सीडेंट कैन हैपन एनीवेयर इन एनी टाइम एक्सीडेंट कहीं भी हो सकता है और किसी टाइम हो सकता है इसका कोई सर्टेन नहीं है कि एक्सीडेंट हम जब रोड पे ही जाएंगे तो वी कैन एक्सीडेंट नो इट इज नॉट करेक्ट एक्सीडेंट कैन हैपन एनीवेयर इन एनी टाइम कभी भी हो सकता है और कहीं भी हो सकता है सो वी हैव नीड टू बी केयरफुल एंड फॉलो द सेफ्टी रूल टू अवॉइड एक्सीडेंट अगर आप एक्सीडेंट से बचना चाहते हो तो आपको दो चीजें करना है सबसे पहले तो आपको केयरफुल रहना है बी केयरफुल वी हैव नीड टू बी केयरफुल हमें केयरफुल रहना है और दूसरा क्या करना है फॉलो द सेफ्टी रूल सेफ्टी रूल को फॉलो करना है ओके स्टूडेंट बिकॉज सेफ्टी रूल कैन हेल्प टू अस अवॉइड द एक्सीडेंट प्रिवेंटेड द एक्सीडेंट सेफ्टी रूल जो है हमें एक्सीडेंट को अवॉइड करने में प्रिवेंटेड करने में हेल्प करता है तो देन स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू स्टडी सेफ्टी रूल एट डिफरेंट केसेस स्टूडेंट आई ऑलरेडी टोल्ड यू एक्सीडेंट कैन हैपन एनीवेयर इट मीन्स It can happen on the road, at a school, at home, in the playground. So, we have some safety rules for different places. So, student, now we are going to study one by one. Now, firstly, we have need to road safety. Okay, student. Road safety. Student, in this topic. We will study safety rule that can follow at road to prevent the accident. If we follow these rules, we can prevent the accident. We can avoid from accident. Okay? Students, safety, road safety. There are flowing safety rules for road safety. Okay, student? First, do not run on the road. कभी भी आपको रोड पे रन नहीं करना है. Do not play on the road. कभी भी रोड पे खेलना नहीं है, दौड़ना नहीं. Okay? Always walk on the left side and on the zebra crossing. हमेशा जब आप पैदल चलते हो तो आपको
जेब्रा क्रॉसिंग पे, सॉरी आई मीन फुटपाथ पे, नॉट जेब्रा क्रॉसिंग, ऑलवेज क्रॉस रोड बाय जेब्रा क्रॉसिंग. आपको जेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस करना होता है. एंड ऑलवेज वॉक ऑन द लेफ्ट साइड, रोड के हमेशा लेफ्ट साइड में चलना है आपको. एंड ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, हमेशा आपको, अब जब पैदल चल रहे हो तो आपको फुटपाथ पे चलना है. ऑलवेज वियर हेमलेट व्हेन यू आर ड्राइव बाइक साइकिल एक्सेट्रा. आपको हमेशा हेमलेट यूज करना है. तो आप तो बाइक चलाते नहीं हो, आप बच्चे हो, बट जो भी ड्राइव करते हैं दे हैव नीड टू वियर हेमलेट. उन्हें हेमलेट पहनना उनके लिए बहुत एसेंशियल है. ओके. एंड ऑलवेज फॉलो द लाइट, रोड लाइट, हमेशा आपको रोड लाइट जो सिग्नल है उसको फॉलो करना है, ट्रैफिक रूल को फॉलो करना है. ओके. दीज आर सम सेफ्टी रूल दैट कैन फॉलो एट रोड टू प्रिवेंट द एक्सीडेंट, टू प्रिवेंट द एक्सीडेंट. ये जो है कुछ सेफ्टी रूल हैं जो रोड पे फॉलो किए जाते हैं एक्सीडेंट को प्रिवेंटेड करने के लिए. तो दो तीन चीजों का इसमें बहुत ध्यान रखना है कि डू नॉट रन ऑन द रोड. रोड पे कभी भी आपको दौड़ना नहीं है. डू नॉट प्ले ऑन द रोड, रोड पे खेलना नहीं है. ऑलवेज ऑलवेज स्टैंड इन अ क्यू ऑन द केस ऑफ बोर्डिंग द बस. अगर आप बस की बोर्डिंग कर रहे हो, आप वेट कर रहे हो, तो हमेशा आपको क्यू में कतार में खड़े होना है. ओके. डू नॉट जंप फ्रॉम द मूविंग बस. आपको कभी भी मूविंग व्हीकल से, कोई भी मूविंग व्हीकल्स हो, उससे जंप नहीं करना है. ओके. तो दीज आर रूल्स दैट फॉलो एट रोड टू प्रिवेंट द एक्सीडेंट. ओके स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट होम सेफ्टी. नेक्स्ट इज होम सेफ्टी. ओके स्टूडेंट, दिस इज टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, होम सेफ्टी. स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सेफ्टी रूल एट होम. Students, we have need to be careful also on home to prevent the accident. In many cases, many people occur the accident on the home. In the as for example. Many people fall from the stairs, and they have little fracture in their hand and foot. In many cases, many people cause the fire in the kitchen. क्या है, घर पे भी हमें उतना ही सावधान रहना है जितना कि हमें रोड पे सावधानी की जरूरत है. ओके. तो होम सेफ्टी के लिए आपको, वी हैव नीड टू फॉलो द सम रूल्स. हमें होम सेफ्टी के लिए भी कुछ रूल्स फॉलो करना है. जैसे कि डू नॉट वेयर सिंथेटिक क्लॉथेस वर्किंग इन द किचन. किचन में आप वर्क करते, वाइल वर्किंग इन द किचन, जब आप किचन में वर्क कर रहे हो तो आपको सिंथेटिक क्लॉथेस नहीं वियर करना है, बिकॉज इट कैन कॉज फायर, इसमें आग लग सकती है. अडैप्ट कैन इंजरी हो, और इस आपको ये इंजरी कर सकता है, जख्मी कर सकता है. ओके. डू नॉट जंप ऑन द स्टार पे
में आपके स्टार्स है ना सीढ़ियां, उस पे जंप नहीं करना है, रन नहीं करना है, प्ले नहीं करना है. ओके, डू नॉट टच एनी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस. किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को आपको टच नहीं करना है, बिकॉज इट कैन हर्ट यू. इट मींस इट कैन शॉक यू. इलेक्ट्रिक शॉक, यू कैन गॉट इलेक्ट्रिक शॉक. अगर उसमें इलेक्ट्रिक करंट है और आप उसको टच करते हो. डू नॉट टेक मेडिसिन. नेक्स्ट इज डू नॉट टेक मेडिसिन विदाउट परमिशन ऑफ योर एल्डर. अपने एल्डर के परमिशन के बिना आपको कोई भी मेडिसिन नहीं लेना है. डू नॉट प्ले विथ शार्प थिंग एज लाइक नीडल, नाइफ, सीजर्स. तेज धार वाली चीजें जैसे नाइफ, चाकू और नीडल, उसके अलावा आपको सीजर्स, कैंची, इसके साथ आपको प्ले नहीं करना है. ओके, डू नॉट प्ले विथ मैचस्टिक. माचिस के साथ अक्सर बच्चे खेलते हैं, तो ये दिस इज वेरी बैड हैबिट एंड दैट कैन अक्यूर यू एक्सीडेंट. आप एक्सीडेंट हो सकता है इस केस में. So you have need to follow this safety rule at home to avoid the accident, to prevent the accident. Okay, student? So these are topic for today. Topic for today is road safety and home safety. Okay, student? Now your homework is, you write down homework. I give you two questions. Write down homework. Write 5 safety rule. Safety rules at home. And on the road. Okay? It means write down 5 safety rule, 5 road safety and 5 home safety. You can also say write 5 home safety and 5 road safety. This is homework for today and you must do homework and send me on my personal WhatsApp number. Okay, student? And if you have any problem, you can ask me. Okay, students? Okay, now you keep studying and we will meet in next video with next topic. Okay, students?